हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप रियलमी 11 प्रो प्लस मोबाइल में और उसमें आप दोस्तों ऐप को हाइड करना चाहते हो तो कैसे दोस्तों आप अपने मोबाइल में ऐप को हाइड कर पाओगे। तो ऐप को हाइड करने के लिए दोस्तों आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए। आप सेटिंग्स को ओपन करते ही आपके मोबाइल में कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाता है। अब आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेसी, तो आपको प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको हाइड ऐप का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में अगर पहले से कोई भी प्राइवेसी लॉक बनाया रहेगा तो वो आपको डालना, अगर दोस्तों आपने नहीं बनाया रहेगा तो आपको पहले आपको एक प्राइवेसी लॉक सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल में प्राइवेसी लॉक सेट कर लेना। मैंने दोस्तों पहले से सेट किया, इसके लिए दोस्तों यहाँ पे मैं वो प्राइवेसी लॉक डाल दूंगा। जैसे ही डाल देता हूँ दोस्तों यहाँ पे आपके मोबाइल में कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। जब आप प्राइवेसी लॉक बना लोगे तो आपके मोबाइल में भी इस तरह से इंटरफेस हो जाता है। अब दोस्तों आप अपने मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन हाइड करना है उसके सामने टिक ऑन करना, यानी दोस्तों मेरे को ये वाला एप्लीकेशन हाइड करना उसके सामने टिक इनेबल करूंगा। तो जैसे ही इनेबल करता हूं दोस्तों यहां पे बता रहा है सेट एक्सेस कोड, यानी कि दोस्तों आपको पहले एक एक्सेस कोड बनाना है जो दोस्तों आप ऐप हाइड करोगे उस पे आपको लॉक लग जाता है और वो कोड जब आप डालोगे तभी आपका वो एप्लीकेशन ओपन होगा या देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने आपको यहाँ पे पहले एक हैच लगाना, उसके बाद दोस्तों कोई भी चार अंक लेना है, आपको कोई भी चार नंबर डाल लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको फिर से हैच लगाना है। जैसे आप हैच लगा देंगे उसके बाद में सही के मार पे टिक करेंगे। अब यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप अपने मोबाइल की डायलर में जाएंगे और यहाँ पे जो कोड बनाया है आप वो वहां पे टाइप करेंगे या डालेंगे तभी दोस्तों आप अपने मोबाइल में जो भी हाइड हुई एप्लीकेशन रहती है उनको देख पाएंगे या चला पाएंगे। तो यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से दो तीन एप्लीकेशन को हम यहाँ से कर लेते हैं दोस्तों हाइड। तो यहाँ से चार एप्लीकेशन को मैंने हाइड कर लिया। आप दोस्तों ये हाइड हुआ है या नहीं कैसे देखेंगे चलाएंगे, दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हमारे मोबाइल की जो भी एप्लीकेशन मैंने हाइड की थी वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। आप दोस्तों इनको देखने के लिए चलाने के लिए आपको अपने मोबाइल के डायलर को ओपन करना और जो दोस्तों वहां पे आपने कोड बनाया था वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है और जैसे ही टाइप कर देते दोस्तों यहाँ पे हाइड हुई एप्लीकेशन जो भी रहती है वो यहाँ पे आ जाती है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने मोबाइल में आसान तरीके से ऐप को हाइड कर पाएंगे। तो वीडियो सही कर मिली, वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में।